दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम येस बैंक स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने ये स्टॉक का टेक्निकल और ऑप्शन चेन का एनालिसिस के साथ इसी स्टॉक का सेक्टर का भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि स्टॉक का सेक्टर अभी कैसे मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम बेसिकली सेक्टर और ये स्टॉक, ये दोनों का एनालिसिस करेंगे, तो सेक्टर का मूवमेंट के हिसाब से स्टॉक कैसे मूव कर रहा है उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। दोस्तों, येस बैंक स्टॉक के ऊपर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप ये स्टॉक का ओवरऑल 6-7 ईयर का रिटर्न देखोगे दोस्तों, ये 8% से भी कम रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब है इसका 6-7 ईयर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ऑन एन एवरेज एक फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों, उसका नतीजा आपको अभी ये स्टॉक के ऊपर दिख रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये स्टॉक 1.5 से 2 साल के अंदर 400 से लेकर अभी 50 से नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, एक टाइम था जब ये स्टॉक सालाना 40-50% 60% के आसपास रिटर्न देता था, लेकिन दोस्तों अभी ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ये कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए दोस्तों इसका स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये येस बैंक स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न हम ओपन करके जानने की कोशिश करेंगे कि अभी येस बैंक स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये स्टॉक का ट्रेंड किसी दिशा पे जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। और दोस्तों, लास्ट पे हम ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर रिसेंटली किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहे उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इसका एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं अभी हर दिन रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और ये लाइव स्ट्रीमिंग पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ स्टॉक के बारे में भी एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन नहीं किए हैं तो दोस्तों, मैंने हर दिन रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो आप वो सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग पे मैंने जो चार्ट सेक्शन रखा है वो चार्ट सिर्फ मेंबर के लिए रखा है। इसका मतलब है ये चैनल का जो जेन्युइन मेंबर है, सिर्फ उन लोग जो भी सारे क्वेश्चन पूछेंगे उस स्टॉक के ऊपर मैंने एनालिसिस करके उनको बताऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं और उसे रैंडमली क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और जिसको एक्चुअली स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए उनको वो एनालिसिस नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए दोस्तों, मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने महीना का 159 का एक मेंबरशिप प्लान निकालूंगा। अगर किसी ने जेन्युइनली किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं तो दोस्तों उन लोग को प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, ये वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन है वो ज्वाइन बटन के ऊपर आप क्लिक करके गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं और ये गोल्ड मेंबरशिप का जो फी है सिर्फ महीना में 159 रुपीज। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके ये स्टॉक किसी दिशा पे मूव कर पाएगा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैंने अभी ये चार्ट पे येस बैंक का वीकली चार्ट ओपन किया है। देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये स्टॉक का पुराना चार्ट को देखोगे तो दोस्तों, पुराना चार्ट के हिसाब से देखिए स्टॉक कितना तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक साल में 40-60% के आसपास रिटर्न देता था। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ट के ऊपर ये रिटर्न रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये ऑलमोस्ट हर हफ्ते हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब ये स्टॉक ये 404 लेवल के आसपास आया था, देखिए 404 लेवल के आसपास आने के बाद ये स्टॉक कितना तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों, ये स्टॉक 5 साल में जितना ऊपर की तरफ गया था, ये देखिए 1-1.5 साल के अंदर ये स्टॉक उतना नीचे तक आ चुका है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो जनरली धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, मतलब अगर कोई स्टॉक पे डाउन ट्रेंड फॉर्म हो चुका है, तो दोस्तों वो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है। और ये देखिए, ये सेम सिनेरियो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि स्टॉक को 5 साल लगा ये स्टॉक 47-400 के आसपास आने के लिए, लेकिन दोस्तों 1-1.5 साल के अंदर ये स्टॉक वापस 400-47 लेवल के आसपास आके पहुंच गया।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये लाइन को देखोगे तो दोस्तों ये मैंने 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन ड्रॉ किया है। और ये मूविंग एवरेज का लाइन का कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक ये लाइन से ऊपर ट्रेड करता है तो हम उस स्टॉक को बुलिश मानते हैं। दोस्तों बुलिश मतलब वो स्टॉक करेंट लेवल से और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है या और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने की दम रखता है। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक ये लाइन से नीचे ट्रेड करता है तो हम उस स्टॉक को बियरिश मानते हैं। बियरिश मतलब करेंट प्राइस से वो स्टॉक और ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा। और देखिए दोस्तों ये स्टॉक कंटिन्यूअसली डेढ़ साल से ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। और देखिए ये लेवल के आसपास ये थोड़ा ये लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों वापस बियरिश पैटर्न फॉर्म करके ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ गया। और देखिए दोस्तों अभी ये स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है ये 47.35 के आसपास बंद हुआ है। और ये स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। और दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर मेजर चांस है कि स्टॉक और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। मैंने क्यों बता रहा हूँ कि स्टॉक और ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकता है बोल के, जब ये स्टॉक ये रिसेंट लो के आसपास आया था तो देखिए स्टॉक का जो रिसेंट लो है ये 29 के आसपास आ रहा है। तो जब ये स्टॉक ये 29 के आसपास आया था इसी लेवल से स्टॉक थोड़ा बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और देखिए दोस्तों जब ये स्टॉक 75 लेवल के आसपास आ गया, ये 75 लेवल के आसपास आने के बाद ये स्टॉक पे वापस सेलिंग आ गया। क्योंकि देखिए 75 लेवल पे ये स्टॉक लगभग एक से डेढ़ महीना के आसपास एक रेंज के अंदर मूव किया। तो इसका जो रेंज था ये 75 से लेकर ये 60 रेंज के अंदर, मतलब 10 से 15 पॉइंट के अंदर ये लगभग एक से डेढ़ महीना ट्रेड किया। और उसी लेवल से स्टॉक अभी सेलिंग पैटर्न फॉर्म करके वापस वो जो सपोर्ट का लेवल बना के रुका था वो सपोर्ट लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ के नीचे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों इस स्टॉक का ट्रेंड देख के हमको लग रहा है कि ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिसेंट चार्ट को देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक 3 हफ्ते से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ये जो चार्ट फॉर्म हो रहा है ये जो लेबल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था इसी लेबल को ये तोड़ के नीचे जाने की सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों अगर एक बार ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है और ये 29 लेबल को तोड़ के नीचे चला जाता है तो दोस्तों मेजर चांस रहता है कि ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये स्टॉक का पुराना चार्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि पुराना चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक कितना नीचे तक जा सकता है। देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी उसका लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अगर एक बार ये स्टॉक ये 29 लेवल को तोड़ देता है तो दोस्तों ये स्टॉक हमको कुछ महीना के अंदर वापस ये 8 लेवल के आसपास देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये स्टॉक के लिए 29 के बाद जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो ये 8 लेवल के आसपास आ रहा है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कि ये स्टॉक इसी लेवल से और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक पे ऊपर की तरफ खरीदारी करके रुके हुए हो और आप इसी लेवल के आसपास इसी स्टॉक के ऊपर एवरेज करने की सोच रहे हो तो दोस्तों आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक पे प्रॉपर बाइंग का पैटर्न फॉर्म होके ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं आता है तब तक हमको इसी स्टॉक के ऊपर एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैंने एक बार शॉर्ट टर्म पे अगर आप इसी स्टॉक के ऊपर एंट्री लोगे तो किसी लेवल के आसपास इस पे एंट्री लेना सही रहेगा उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने एक बार डेली चार्ट ओपन करके आपको एनालिसिस करके बता देता हूं कि किसी लेवल के आसपास हम इस स्टॉक के ऊपर बाइंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे मैंने डेली चार्ट ओपन किया है और ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप उसका चार्ट को देखोगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये जो 52 का लेवल है ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल जैसा आ रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये स्टॉक के ऊपर करना चाहते हो तो जब तक ये स्टॉक ये 52 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है तब तक आपको इसे स्टॉक पे एंट्री नहीं करना चाहिए। और देखिए दोस्तों एक बार ये स्टॉक ये 52 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा उसके बाद ये देखिए कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक वापस से 75 लेवल के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको एक चीज़ यहाँ पे देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था
और ये स्टॉक कॉन्टिन्यूसली 8-10 दिनों से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों 2 दिनों से स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ चुका है और ये आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है ये एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ जाने के हमको सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक पे एंट्री करना चाहते हो, जब तक ये स्टॉक पे प्रॉपर बाइंग का पैटर्न फॉर्म नहीं होता है तब तक आपको इसी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। और देखिए दोस्तों अगर ये स्टॉक एक बार 75 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो अभी दोस्तों आप ये स्टॉक पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अगर ये 75 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा और मिनिमम 2-3 दिन इसी रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा तो दोस्तों ये 1-2 महीना के अंदर आपको ये स्टॉक मिनिमम ये 100 लेवल के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जब तक ये स्टॉक पे प्रॉपर बाइंग का सेटअप बन नहीं जाता है तब तक हम इसी स्टॉक पे एंट्री नहीं करेंगे, मतलब बाइंग के लिए हम इसी स्टॉक के ऊपर पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये स्टॉक के ऊपर कुछ भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से और ये स्टॉक का ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ही ये स्टॉक के लिए ठीक पोजीशन रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे और ये स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाओगे तो किसी लेवल के आसपास आपको एंट्री करना है और कितना पॉइंट की स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैंने एटीआर वैल्यू को ऐड कर रहा हूं, क्योंकि एटीआर वैल्यू के हिसाब से एक स्टॉक ऑन एंड एवरेज एक दिन पे कितना मूव करता है उसके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एटीआर वैल्यू को ऐड किया। और देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैंने बेसिकली 30 मिनट का एटीआर को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 30 मिनट का एटीआर वैल्यू को ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों 30 मिनट का एटीआर वैल्यू इसका जो आ रहा है ये 0.59 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों जितना पॉइंट का हमको एटीआर का वैल्यू दिखाएगा वो एटीआर वैल्यू पे हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है, और ये 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद जितना हमको रिजल्ट मिलेगा उसी रिजल्ट को हमको स्टॉप लॉस और उसका डबल हम टारगेट मान के चलेंगे। तो देखिए दोस्तों ये 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0.885 के आसपास इसका रिजल्ट आया, मतलब 0.9। तो आप राउंड फिगर इसको 1 पॉइंट ले लीजिए। और देखिए दोस्तों अगर आप 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे उसका डबल आपकी टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किसी लेवल के आसपास आपको एंट्री करना है। देखिए दोस्तों अगर आप ये स्टॉक पे एंट्री करना चाहते हो तो ये 47 लेवल के आसपास आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। अगर आप 47 पे एंट्री करोगे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 48 पे, और जो टारगेट रहेगा टारगेट आपकी 2 पॉइंट मतलब 45 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ये था येस बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस, और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसी लेवल से येस बैंक और ज़्यादा नीचे जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार येस बैंक स्टॉक का ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक के ऊपर ऑप्शन चेन का डाटा के हिसाब से किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन का डाटा के लिए मैंने एनएससी इंडिया का साइट को ओपन कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एनएससी इंडिया का साइट ओपन करके रखा है, और ये एनएससी इंडिया का साइट के हिसाब से देखिए येस बैंक का जो क्लोजिंग आ रहा है ये 47.45 लेवल के आसपास। तो दोस्तों 47.45 को अगर आप क्लोजिंग मानोगे तो देखिए 45 लेवल ये स्टॉक के लिए आर द मनी आ रहा है। अगर आप 45 को आर द मनी मानते हो तो दोस्तों ये पॉइंट का राइट साइड पे आपको जो भी सारे डाटा दिख रहा है ये सारे पुट का डाटा है, और ये लेफ्ट साइड पे आपको जो सारे डाटा दिख रहा है ये सारे कॉल का डाटा है। तो पुट का डाटा के हिसाब से स्टॉक के ऊपर हमको स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल पता चलता है, और ये कॉल का डाटा के हिसाब से हमको स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल पता चलता है। और देखिए दोस्तों अगर आप पुट का डाटा को देखोगे तो दोस्तों बेसिकली हम ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से किसी लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा पुट का राइटिंग हुआ है। देखिए दोस्तों अगर आप ये पुट का राइटिंग को देखोगे तो दोस्तों ये लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा पुट का राइटिंग हुआ है, जिसका स्ट्राइक प्राइस 30 पे आ रहा है, मतलब ये 30 लेवल पे 9,94,400 के आसपास पुट का कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है।
तो इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक के लिए ये 30 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन सकता है। और देखिए जो सेकेंड हाइस्ट पुट का राइटिंग हुआ है ये 40 स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब ये 40 लेवल ये पुट का डाटा के हिसाब से ये स्टॉक के लिए सेकेंड हाइस्ट सपोर्ट का लेवल बन सकता है, क्योंकि 40 लेवल के आसपास 8,36,000 पुट का कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है। तो दोस्तों ये पुट का डाटा के हिसाब से हमको दो सपोर्ट का लेवल मिला। जो पहला सपोर्ट का लेवल आएगा ये 40 लेवल के आसपास, अगर एक बार ये 40 का लेवल टूट जाता है तो फिर उसके बाद जो सेकेंड हाइस्ट पुट का राइटिंग हुआ है ये 30 लेवल के आसपास, मतलब ये 30 लेवल और ये 40 लेवल, ये दोनों लेवल ये स्टॉक के लिए स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार कॉल का डाटा को देख के जानते हैं कि कॉल का डाटा के हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा को देखोगे दोस्तों ये 50 लेवल के आसपास सबसे ज्यादा कॉल का राइटिंग हुआ है। तो ये 50 लेवल पे जो कॉल का राइटिंग हुआ है 21,82,400 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये 50 लेवल ये येस बैंक स्टॉक के लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। और देखिए जो सेकेंड हाइस्ट कॉल का राइटिंग हुआ है ये 100 लेवल के आसपास। तो दोस्तों बहुत ट्रेडर का मानना ये भी है कि ये स्टॉक हो सकता है 100 लेवल को क्रॉस करके भी ऊपर की तरफ चला जाए, इसलिए दोस्तों बहुत सारे कॉल का राइटिंग ये 100 स्ट्राइक प्राइस पे भी हुआ है। तो ये 100 स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल राइटिंग हुआ है 13,11,200 के आसपास। और देखिए दोस्तों जो थर्ड हाइस्ट कॉल का राइटिंग हुआ है ये 45 लेवल के आसपास, जो कि 11,61,600 के आसपास हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली येस बैंक स्टॉक के लिए ये डाटा के हिसाब से जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, जो सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है वो 50 का लेवल पे, और सेकेंड हाइस्ट कॉल राइटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल ये 100 लेवल के आसपास आ रहा है, और जो थर्ड हाइस्ट कॉल का राइटिंग हुआ है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का लेवल ये 45 लेवल के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ये कॉल का डाटा के हिसाब से 45, 50 और ये 100 लेवल ये येस बैंक स्टॉक के लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये था येस बैंक स्टॉक के बारे में एनालिसिस और ये ऑप्शन चेन के बारे में एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों इसी बैंक का एक बार सेक्टर को एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ये सेक्टोरियल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक का सेक्टर कैसे मूव कर रहा है। दोस्तों सेक्टर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने एक हेजिंग कॉन्सेप्ट पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी या सिंपल थ्योरी बनाया है और ये थ्योरी बहुत अच्छा काम दे रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने कंटिन्यूअसली 8 मंथ से लाइव मार्केट में ट्रेड करके इसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इतना दिनों से जो भी सारी ये ट्रेडिंग किया है, चलिए दोस्तों एक बार उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों बेसिकली मैंने इसी कम्युनिटी टैब के अंदर हर दिन ये थ्योरी को यूज करके जो भी सारे ट्रेड आता है वो ट्रेड को यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो देखिए अगर आप ये निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी की बात करोगे, क्योंकि दोस्तों मैंने ये जो थ्योरी बनाया है ये थ्योरी का एक पार्ट है हेजिंग स्ट्रेटेजी, मतलब मैं ये स्ट्रेटेजी के माध्यम से हेजिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके काम कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों बेसिकली ये हेजिंग कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए आपके पास 1,00,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और ये 1,00,000 इन्वेस्टमेंट पे मे मंथ पे स्ट्रैटेजी 18% से ज्यादा रिटर्न दिया था, और जून मंथ पे 17.80, मतलब ये लगभग 18% के आसपास रिटर्न दिया, और दोस्तों जुलाई पे ये 13.04% के आसपास रिटर्न दिया था, और अगस्त मंथ पे 16.30% के आसपास रिटर्न दिया, सेप्टेम्बर पे स्ट्रैटेजी 14.57% का रिटर्न दिया था, लेकिन दोस्तों अक्टूबर मंथ पे स्ट्रैटेजी लॉस दिया था, जो कि पहली बार ये स्ट्रैटेजी का लॉस था और ये सिर्फ 5% के आसपास लॉस दिया था। और दोस्तों नवंबर मंथ पे मार्केट पूरा वोलेटाइल मूव कर रहा था और ये वोलेटाइल मूव पे भी ये स्टॉक देखिए मिनिमम 11% के आसपास रिटर्न दिया है। और दोस्तों अभी दिसंबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है और देखिए दिसंबर मंथ पे ये जो भी सारे मैंने ट्रेड किया है, जो प्रॉफिट आया उसको ग्रीन कलर पे और जो लॉस आया उसको रेड कलर पे मेंशन किया है। तो अगर आप ये सारे प्रॉफिट या लॉस को मिलाओगे तो देखिए दोस्तों नेट कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे 1,18,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है।
दोस्तों ये थियोरी एक सेफ थियोरी है, तो ये सेफ थियोरी के माध्यम से अगर आप इस पे ट्रेड करोगे तो आपको महीना में सारे ब्रोकरेज और लॉस वगैरह जाने के बाद मिनिमम 8-15% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये थियोरी के बारे में डिटेल्स पे जानना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी मेंशन किया है, तो ये व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी येस बैंक स्टॉक का सेक्टर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली इसका जो सेक्टर आ रहा है ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का चार्ट पैटर्न एक बार ओपन कर रहा हूं। देखिए अगर आप ये बैंकिंग सेक्टर का चार्ट को देखोगे, मैंने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है, तो ये डेली चार्ट के हिसाब से देखिए दोस्तों ये सेक्टर कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और हम देख रहे थे कि येस बैंक स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न था वो नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप ये निफ्टी बैंक या बैंकिंग सेक्टर का चार्ट को देखोगे दोस्तों ये कॉन्टिन्यूसली 3-4 महीना से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और अभी देखिए येस बैंक 2-3 दिनों से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, और लेकिन यहाँ पे अगर आप उसका सेक्टर को देखोगे तो दोस्तों इसका सेक्टर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए दोस्तों अगर किसी भी स्टॉक उसका सेक्टर को सपोर्ट नहीं देता है, मतलब अगर उसका सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और वो स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, तो जब सेक्टर वापस नीचे की तरफ आएगा वो स्टॉक और तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कि येस बैंक स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, और दोस्तों मैंने ये निफ्टी बैंक के ऊपर इसका सेक्टर का एनालिसिस के हिसाब से ये निफ्टी बैंक एक साल के अंदर जनरली ऑन एंड एवरेज कितना जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप उसका ये मूव को देखोगे तो ये अभी का मूव के हिसाब से देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 33,800 का लेवल, मतलब इसी लेवल से लगभग 1500 के आसपास ऊपर का लेवल। अगर एक बार ये स्टॉक 33,800 को क्रॉस करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 34,500 का लेवल। तो दोस्तों इस सेक्टर का चार्ट के हिसाब से इस पे हमको प्रॉपर बाइंग दिख रहा है, लेकिन दोस्तों येस बैंक का स्टॉक का चार्ट के हिसाब से वो स्टॉक पे हमको सेलिंग दिखता है। इसलिए दोस्तों हम वो स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले हमको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा और अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक वो स्टॉक पे प्रॉपर बाइंग का सेटअप नहीं बनता है हम तब तक वो स्टॉक से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और वो स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा। जब वो स्टॉक के ऊपर प्रॉपर बाइंग का सेटअप आ जाएगा और वो स्टॉक मिनिमम 75 के ऊपर 2-3 दिन ट्रेड करने लगेगा तो अभी दोस्तों हम वो स्टॉक पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये था येस बैंक स्टॉक का ऑप्शन चेन का और उसका सेक्टर का एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से कोई भी मदद मिल रहा है दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जितना ज्यादा लाइक होता है उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नया नया स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके वीडियो लाने में। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो ये वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसका साइड पे जो बेल आइकन है वो बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।